कांग्रेसियों ने पार्टी कार्यालय पर शुक्रवार को कानपुर मुठभेड़ में 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने पर श्रद्धांजलि दी। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया कि कानपुर के चौबेपुर में हत्या के आरोपी बदमाशों से हुई मुठभेड़ में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। कांग्रेस पार्टी उन शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। हमारी सरकार से मांग है कि शहीद परिवार को 50-50 लाख रुपए और घायलों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, निर्मला पासवान जिला अध्यक्ष। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से शहीद हो रहे हैं जवान को देखते हुए, आज कानपुर में एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसे अज्ञात और कुख्यात बदमाश को पकड़ने सिपाही के जवान गए थे और वह वहीं 8 लोग शहीद हो गए। आज प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी जिले में जिला के सभी इकाइयों की आज ये सभी कार्यक्रम शहीदों के नाम है और उन शहीद हुए सिपाहियों को श्रद्धांजलि देते हैं ताकि उनके परिवार को सुख और शांति मिले।